नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुझे पिछले 12 घंटे से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने पैसों का और शराब का उपयोग करना शुरू कर दिया है। किस प्रकार खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है, शराब बांटी जा रही है। भारतीय लोकतंत्र का जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना जरूर होगा, उसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि किस तरह प्रशासन और पुलिस का दबाव और उपयोग किया जा रहा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा पिट रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अब इनकी सौदेबाजी की सरकार का अंतिम समय आ गया है। भारतीय लोकतंत्र का जब इतिहास लिखा जाएगा उसमें जरूर मध्य प्रदेश के उपचुनाव का एक पन्ना होगा और इसमें गद्दारों का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पैसों का, शराब का उपयोग करना शुरू किया है। पिछले 12 घंटे 24 घंटे में जो मुझे खबरें आई हैं किस तरह पैसा बांटा जा रहा है, किस तरह शराब का बांटी जा रही है, किस तरह प्रशासन और पुलिस का दबाव और उपयोग किया जा रहा है, ये आज साफ स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी पिट रही है। कहना चाहता हूं कि अब उनके सौदे की सरकार का अंतिम समय आ गया है। इस चुनाव में ये सिद्ध हो गया है कि जनता को महल की ज़रूरत नहीं है, महल को जनता की ज़रूरत है। चुनाव सच्चाई और झूठ का है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, खास करके ये 28 सीटों के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई पहचान के मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ देंगे। प्रदेश के 28 सीटों पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान के पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करके पूछ रहे हैं कि मैंने क्या पाप किया, आपने प्रदेश के किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, युवाओं और माताओं बहनों के साथ छल किया, कमलनाथ आपने 15 महीने में मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया, यही आपका पाप था और इसी की सजा आपने भुगती है। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए और जो रेगुलर किसान थे बेचारे पैसा दे रहे थे, इस चक्कर में उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो डिफाल्टर हो गए और ब्याज की गठरी आज उनके सर पर है, वो ब्याज की गठरी मैं उतारूंगा। आपने पाप किया, आपने बच्चों को हम जो लैपटॉप देते थे बारहवीं में अच्छे नंबर लाने वाले उनके लैपटॉप छीन लिए, आपने पाप किया। आपने कहा था कन्या दान की राशि बढ़ा के 51,000 कर देंगे, 51,000 की कह के एक पैसा बेटियों के खाते में नहीं पहुंचाया, आपने पाप किया। प्रदेश का विकास ठप्प कर दिया, आपने पाप किया। मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया, आपने पाप किया। भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। मैं कितने पाप बताऊं आपके, आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था, यही आपका पाप था और इसी की सजा आपने भुगती। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ राजधानी भोपाल की जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया है। यह परिवाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली की ओर से उनके वकील द्वारा दायर किया गया। गौरतलब है कि महबूबा मुफ्ती ने जेल से रहा होते ही धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई और झंडा उठाने से इनकार कर दिया था। उनके इस कृत्य के खिलाफ राजधानी भोपाल की जिला अदालत में परिवाद दायर किया गया है। मैंने यहाँ एक परिवाद दायर किया है, आईडी ऊपर करो, उसमें मैंने लिखा है कि देशद्रोह का मामला बनता है ऐसे लोगों को जो हमारे मुल्क में हवाएं और फिजाओं में जहर घोल रहे हैं, ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए, देशद्रोह का मामला अविलंब दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि झंडा राष्ट्रीय ध्वज के लिए, ऐसे तिरंगे के लिए लाखों सैनिकों ने, उलमा इकरामों ने
तमाम मुल्क के लोगों ने कुर्बानी दी, उस झंडे का अपमान हम हिंदुस्तान के लोग नहीं सहेंगे। प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार को चुनाव प्रचार थम गया। इन सभी सीटों पर मंगलवार 3 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार कर भोपाल वापस लौटे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता को यह बात समझ में आ गई है कि भाजपा ने विधायकों को खरीदा था और पैसे देकर कमलनाथ सरकार को गिराया था। इस चुनाव की एक खासियत रही, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर कोई सुनने आती थी किसी नेता को तो केवल कमलनाथ जी को सुनने आती थी। ऐसे समय भी आए कि सभा में कम लोग हैं, ये मीडिया ने भी देखा, लेकिन जैसे ही कमलनाथ जी पहुंचे वहाँ पूरा लबालब पूरा मैदान भर जाता था। तो कमलनाथ जी को सुनने आते थे और ये जो स्टार प्रचारक से उनको जो चुनाव आयोग ने प्रचारक शब्द हटाया, लेकिन वो स्टार रहे। कल भी जहाँ गए रोड शो में गए भयंकर भीड़ थी, तो उनको सुनने आ रहे थे। ये बदलाव है और किसी को सुनने नहीं आ रही, ट्रकों में और गाड़ियों में भर के लेके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो ये और यही एक इंडिकेशन है कि कांग्रेस 28 में से 28 सीट जीतने जा रही है। मंगलवार को प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर मतदान है। उपचुनाव के पहले भाजपा और कांग्रेस द्वारा एक दूसरे के ऊपर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया जा रहा है। खजुराहो से भाजपा सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। गुंडागर्दी करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिग्विजय सिंह यही करा सकते हैं, कमलनाथ इसी मूल पिंड के हैं। अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे उसमें दिग्विजय सिंह जी हों चाहे कमलनाथ जी हों, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर जो जाना चाहते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमको संयम और शालीनता तो बरतना ही है, लेकिन इस प्रकार के गुंडों का ताकत से जवाब भी देना है कि इस प्रकार की बात अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करेगा तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई ऐसे नहीं बेटा, इसका आपको ठीक से जवाब भी देगा। इसलिए बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तत्पर और तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। ये कांग्रेस की चुनाव हारने की बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को 28 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए उपनिर्वाचन के सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में 84 पैरामिलिट्री की कंपनी तैनात की है। इसके अलावा एसएएफ की 30 कंपनी भी अतिरिक्त रूप से तैनात की गई है। जिले के सभी 10,000 विशेष पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस का तर्क था कि स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है, यह पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उसे कैसे छीन सकता है। एक दिन पूर्व गुजरे मध्य प्रदेश के 65वें स्थापना दिवस के मद्देनजर सोमवार को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से देश विदेश के पर्यटकों समेत राजधानी वासियों को जल पर्यटन के अंतर्गत एक नई और अनूठी सौगात दी गई है, जिसके तहत अब शहर की बड़ी झील स्थित सैर सपाटा के बोट क्लब पर आने वाले पर्यटक मंगलवार से यहां बनाना बोट राइड का आनंद भी ले सकेंगे। इसके लिए विभाग द्वारा आज ट्रायल किया गया है। बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी हॉल नंबर 8 चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एमपी नगर जोन 1 भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लक्ष्मण सिंह ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट करके हुए लिखा है कि मैंने आज कोविड टेस्ट कराया था, पॉजिटिव आया। जो बंधु मेरे संपर्क में आए हैं अपना टेस्ट करवा लें, शीघ्र स्वस्थ होकर फिर मिलेंगे। इसके पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आ चुके हैं।
ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को बरकरार रखा है। इस मामले में प्रदेश सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहाज से सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देना चाहती है। चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से अधिक है, इस लिहाज से ओबीसी वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का फायदा दिया जाना चाहिए। मामले में याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि हाल ही में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच द्वारा निर्णय दिया गया। साथ ही बताया गया कि किसी भी लिहाज से आबादी के परिपालन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।